सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आए हैं राहटे कॉलोनी का मेट्रो स्टेशन। आज इसका पूरा व्यू देखेंगे और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि यहाँ पे क्या फीचर्स है पैसेंजर को लेकर, सेफ्टी को लेकर, और वो सारी चीज़ें आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, है ना। और नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आपको मज़ेदार वीडियो देखने को मिलते रहे। तो एंट्री यहाँ से भी है स्टेशन में और रोड के उस साइड में भी है, दोनों तरफ एंट्री है। लेकिन फिलहाल कोविड की वजह से उधर की एंट्री बंद की गई है उस साइड की। तो अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 2 के तरफ में आता है ये साइड में, क्योंकि इधर आप साइड में देखोगे तो पीछे में बर्डी है और बर्डी तरफ से इधर ये वर्धा रोड है, खापरी की तरफ जाने वाला रोड। तो हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे और पूरा स्टेशन जो है व्यू देखेंगे। तो आप वैसे बिल्डिंग देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत है। तो अभी हम लोग एंट्री करते हैं और देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो आपको शुरुआती में ही यहाँ पे पार्किंग वगैरह के दिख जाएंगे। ये पार्किंग स्पेस है दोस्तों, यहाँ पे पार्किंग काफ़ी बड़ी है, ठीक है। पार्किंग इस साइड में भी, उस साइड में भी पार्किंग है, दोनों तरफ पार्किंग है। आपकी पार्किंग साइकिल और बाइक की किधर है, ठीक है, तो आपको वहीं पर पार्किंग पार्क करना है। और आप देख सकते हो कि पूरा प्रॉपर तरीके से पार्किंग की गई है। तो अभी हम लोग स्टेशन के अंदर चलते हैं और देखते हैं। जैसे हम एंट्री होते हैं, एंट्री में यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि मास्क आपको पहनना है, आरोग्य सेतु ऐप आपके पास होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे आपको इसमें एक मैप बोर्ड दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें नियरेस्ट में है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, है ना। तो कभी भी स्टेशन में एंट्री करते हो तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप नोटिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए दी जाती है। तो यहाँ पे सीढ़ी भी है और एस्केलेटर भी है, तो हम एस्केलेटर से ऊपर चलेंगे। तो अब कंटिन्यू काफ़ी सारे वीडियोस देखने को मिलने वाले दोस्तों। और यहाँ से काफ़ी हाइट है स्टेशन की भी। तो दोस्तों, राहटे कॉलोनी स्टेशन में कौन कौन आया कमेंट करके बताइए कि आपने क्या यहाँ से ट्रैवल किया है, है ना। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो एक तालाब है जो सेंट्रल जेल है नागपुर का, उसका तालाब है, आपको दिख जाएगा। स्टार्टिंग में भी मैनुअल कॉल पॉइंट है। तो यहाँ पे भी आपको एक्सीलेटर का जो है नोटिस बोर्ड दिख जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसको भी ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। तो अभी हम स्टेशन में एंटर हो चुके हैं और स्टेशन में आपको यहाँ पे भी रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और अगर आप कुछ गलत करते हो तो उसका आपको कितना जुर्माना लगेगा, यहाँ पे आपको पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें, क्या नहीं करना है यहाँ पे आपको पूरा दिया हुआ है कि आप केमिकल्स नहीं ले जा सकते, स्मोकिंग नहीं कर सकते, है ना, अस्थियाँ नहीं लेके जा सकते, कंकाल नहीं लेके जा सकते, डॉग्स नहीं लेके जा सकते मेट्रो में, है ना, कोई हथियार नहीं लेके जा सकते। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अगर इसमें से कोई भी रूल्स आप ब्रेक करते हो तो आपको फाइन लगेगा। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे इस स्टेशन में ना आपको यहाँ पे एक डिज़ाइन दिखाई देगी जो काफ़ी अच्छा है। गोरेवाड़ा का जो जंगल है ना, अगर आप नहीं गए हो तो इस स्टेशन में आप देख सकते हो गोरेवाड़ा के पूरे एनिमल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे स्टेशन में, राहटे कॉलोनी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों, टिकट आपको यहाँ से लेना है और ये एग्जिट तरफ का गेट है, एंट्री गेट उधर में है, टिकट वहाँ से। एक्चुअली टिकट यहाँ से भी मिलती थी लेकिन अभी फ़िलहाल जो है कोविड की वजह से इसको बंद रखा गया है। तो टिकट वहाँ से लेना है और टिकट लेने के बाद में यहाँ पे आपको, यहाँ पे लगेज स्कैनर मशीन है, यहाँ से आपको एंट्री करना है और टिकट बाद में आपको स्कैन करके आप पेड एरिया में चले जाते हो। अभी आप अनपेड एरिया में हो। पेड एरिया में जाने के बाद क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी वो भी हम देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये टिकट देख सकते हो मेट्रो की, यहाँ से एंट्री पेड एरिया में जाने के लिए टिकट से आपको यहाँ स्कैन करना पड़ता है, तब ये गेट खुल जाता है और फिर यहाँ से जो है हमें एंट्री लेना पड़ता है, ठीक है। ये टिकट दो ही बार स्कैन होगी, एक बार एंट्री और एक बार एग्जिट, और जहाँ से आपने बताया है कि कहाँ से कहाँ जाना है वहीं पर ये जो है टिकट स्कैन होगी। अदरवाइज़ कहीं पर भी आप स्कैन करोगे तो मिसमैच का दिखा देगा और आप पे फाइन लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अब पेड एरिया में आने के बाद में आप देख सकते हो कि गोरेवाड़ा का राजकुमार आपको यहाँ पे दिख जाएगा, काफ़ी अच्छी पेंटिंग यहाँ पे की गई है, बहुत खूबसूरत है। और पेड एरिया में आने के बाद आपको यहाँ पे पानी की सुविधा मिल जाएंगी। सभी स्टेशन में आपको ऐसी ही मशीन दिखाई देंगी पानी की, इसको आप प्रेस कीजिए, यहाँ से पानी निकलेगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर 2 लिफ्ट है, प्लेटफॉर्म 2 पर जाने के लिए, प्लेटफॉर्म 1 पर जाने के लिए, दोनों तरफ के लिए लिफ्ट दी गई है। बाकी वही डस्टबिन वगैरह सारी चीज़ें हैं इमरजेंसी का, आपको यहाँ पे बोर्ड दिख जाएगा इमरजेंसी आपातकालीन, कि कभी भी कुछ इमरजेंसी आती है तो आपको कहाँ से एग्जिट होना है, वो सारे साइन बोर्ड यहाँ पे आपको जगह जगह पे दिख जाएंगे, ऊपर प्लेटफॉर्म पे भी और यहाँ पे कॉन्कोर्स में भी। फायर हाउस कैबिन आपको दिख जाएगा, इधर पर आपको
जेंट्स लेडीज टॉयलेट बाथरूम आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बेबी केयर रूम भी दिख जाएगा, अगर किसी को प्रॉब्लम है, छोटा बेबी है तो यहाँ पे वो रेस्ट कर सकते हैं, और हैंडीकैप के लिए भी अलग से रूम दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको पेड एरिया में मिलती है दोस्तों। तो अभी हम प्लेटफॉर्म 2 पे चलेंगे और वहाँ पे ऊपर से देखेंगे कि रोड का व्यू कैसा दिखता है ना, नागपुर सिटी का, राठे कॉलोनी से देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे आपको सीढ़ी दिख जाएंगी और यहाँ पे लिफ्ट भी है और यहाँ पे एक्सीलेटर भी है, ठीक है। तो एक्सीलेटर से चलते हैं, थोड़ा जल्दी पहुँचेंगे। सेंट्रल जेल का लेक है दोस्तों, है ना, और ये काफ़ी गहरा है, पानी का भी अटता नहीं है यहाँ का। दोस्तों अगर एक्सीलेटर में कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर कोई गिर जाता है आपके सामने, और यहाँ के एक्सीलेटर काफ़ी बड़े बड़े क्योंकि हाई टेक स्टेशन है, तो यहाँ पे एक एक्सीलेटर मशीन में 3 स्टॉप बटन दिए, इमरजेंसी स्टॉप बटन। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कहाँ पे रहते हैं। ये आप देख सकते हो, ये सेंसर वाले जैसे खुल गया वैसे ये बीम भी करता है, और ये स्टॉप बटन है, इसको प्रेस करने से जो है ये एक्सीलेटर रुक जाएगा। तो ये कोई भी प्रेस कर सकता है, ऐसा नहीं कि स्टाफ को ही आप बुलाओगे और वो रोकेंगे। इमरजेंसी में आप इसे यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेशन में डस्टबिन आपको जगह जगह दिखाई देंगे, कचरा नहीं करना है, डस्टबिन में ही कचरा डालना है, ठीक है, नहीं तो फाइन लगेगा दोस्तों। तो अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हम आ चुके हैं, और यहाँ से जो खूबसूरती है ना भाई, नागपुर की गजब। और तो अभी ये खापरी तरफ जाने वाला रूट है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 NSMB है ना, नॉर्मल स्टॉप मार्किंग बोर्ड। और यहाँ पे आपको फिर वही चीज़ें आपको सारी दिख जाएंगी, इमरजेंसी कॉल पॉइंट, कभी कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। SCR रूम में आपको कॉल जाएगा, आपकी बात हो जाएगी, और कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सभी स्टेशन्स के नाम दिखाई देंगे, खापरी से लेके तो ऑटोमेटिक चेक तक के, और राठे कॉलोनी ये है, सीताबर्डी एक्सचेंज स्टेशन यहाँ पे है, और क्या नहीं करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी है। और थूकना मना है, कचरा डालना मना है, स्मोकिंग करना मना है, तो इसका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ESP के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इमरजेंसी अगर आप कोई प्रॉब्लम आती है, इमरजेंसी स्टॉप प्लंजर ट्रैक पे, तो आप इसको प्रेस कर सकते हो, वो ट्रेन रुक जाएंगी, प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगी जब तक कि इसे रिसेट नहीं किया जाए। ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बाकी तो ये आपको मैंने बता ही दिया था कि स्टॉप मार्किंग है, डोर मार्किंग है ना, स्टॉप मार्किंग के आगे आपको नहीं जाना है। सभी स्टेशन के प्लेटफॉर्म खापरी से बर्डी जाने वाले 1 में रहते हैं, और बर्डी से खापरी जाने वाले 2 में रहते हैं, ठीक है। तो ये जगह जगह पे आपको दिख जाएगा है ना, ESP MRSC स्टॉप प्लंजर ट्रेन को रोकने के लिए नोटिस बोर्ड आपको दिख जाएंगे, बैठने के लिए यहाँ पे आपको चेयर दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कोविड की वजह से आप देख सकते हो सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना है, इसके लिए बीच में नहीं बैठना है, दूर दूर बैठना है। ये स्टेशन देख के आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, है ना, आपके डिमांड पे इतने सारे वीडियोज़ हम लेके आ रहे हैं, तो यहाँ से आपको व्यू काफ़ी बढ़िया दिखाई देगा, देख सकते हो। खापरी से बर्डी जाने वाली ट्रेन यहाँ पे आ चुकी है, आप देख सकते हो, और ये उस साइड में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है, प्लेटफॉर्म 2 पे अभी ट्रेन आने की है। यहाँ पे आप स्टेशन में 2 टाइप का आपको फायर का दिखेगा, CO2 है और DCP है ना, तो ये चीज़ें अगर कोई इमरजेंसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिसको अनुभव है वही यूज़ कर सकता है, बाकी स्टाफ इसको तो इनको ट्रेनिंग दे रही थी स्टाफ को, तो वो लोग यूज़ करेंगे। सभी स्टेशन में लिफ्ट के पास में आपको टूथपिन दिखाई देंगी, दबाइए सर, टूथपिन से प्रेस करके ही आपको एंट्री होना है। तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है टूथपिन से, हमें कॉन्कोर्स में जाने का है, और डोर क्लोज हो गए, ठीक है, तो वही पीछे का देख लो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट मज़ेदार मेट्रो स्टेशन में, तब तक के लिए बाय।